हेलो गाइस, नई वीडियो में एक बार फिर से स्वागत है। सुबह के 6:10 हुए हैं, बस अभी उठा हूँ। आपको जैसे कि बताया था कि कल मैं कुसमा जा रहा हूँ, तो इसीलिए जल्दी उठा हूँ। पहले मैंने सोचा था कि 11 बजे वाली बस में चला जाऊँगा, लेकिन अगर 11 बजे वाली बस में जाता तो कुसमा पहुँचता तो रात तो अंधेरा हो जाता, रात के 7-8 बज जाते, तो इसीलिए मैंने सोचा कि सुबह जल्दी निकल जाते हैं। तो 6 बजे मैं उठा हूँ, और आपको मैं बता दूँ, जो मेरा होटल है उसके बिल्कुल सामने टिकट काउंटर है, और सामने अगर आपको दिख रहा है तो ये देखो, सामने बस खड़ी है। इस होटल का ये फ़ायदा है कि अगर कहीं जल्दी भी जाना है ना, तो कोई ज़्यादा जल्दी उठने की ज़रूरत नहीं है। जिस टाइम बस है एग्जैक्टली उसी टाइम उठो, और सामने, बिल्कुल सामने आपको बस मिलेगी होटल के नीचे। बस अभी बस में बैठा हूँ, सारा सामान रख लिया है, टिकट भी ले ली है कुसमा तक की। बस शायद अभी 7 बजे चलेगी। मैं ऐसे ही इतनी जल्दी उठकर आ गया, मैं 6:15 बजे यहाँ आ गया था। आधे घंटे से बस में ही बैठा हूँ। 6:50 हो गई है, शायद 10 मिनट तक बस चल जाए। अभी 3 घंटे के बाद बस यहाँ पर रुकी है, सभी खाना खाने के लिए यहाँ पर रुके हैं। मैंने भी फ्राइड राइस ऑर्डर कर दिए हैं, बस थोड़ी देर में बन जाएंगे। और आपने रास्ता देखा गया यार, इतना ज़्यादा ख़तरनाक रास्ता है ना, मतलब कि ऑफ रोड, कहीं रोड का कोई भी निशान तक नहीं है कहीं भी। और मतलब कि मैं आगे बैठ कर आया हूँ, मुझे खुद को इतना डर लग रहा था ना, लेकिन वीडियो बनानी थी इसीलिए मेरे को आगे बैठना पड़ा, नहीं तो मैं आगे ना बैठता, क्योंकि आगे जो सीट है वो इतनी कंफर्टेबल नहीं है, काफ़ी ज़्यादा तंग हो रहे हैं। और बस इतनी ज़्यादा हिलती है ना, इतनी ज़्यादा, सोच भी नहीं सकते सच में। बस तो ये भैया पता नहीं बस यहाँ पर कैसे चला लेते हैं। अगर यहाँ पर अगर बाइक पर भी आए ना आप, तो बाइक भी ना चले मेरे को लगता है। और ये ऐसा नहीं है कि रोड थोड़ी दूर तक है, ऐसा रोड बिल्कुल जहाँ तक मेरे को जाना है वहाँ तक रोड ऐसी है। अगर कहीं अच्छी रोड आई तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। Thank you.
कुसुमा में पहुंचे मेरे को 1-1.5 घंटा हो गया है। लगभग 2 बजे के आसपास मैं यहाँ पहुंच गया था। अभी 3:30 हो चुके हैं और सारा सामान रूम पर रख दिया है और फ्रेश होके 1 घंटा रूम पर रेस्ट करके बाहर आया हूँ। अभी यहाँ बता रहे हैं कि कुसुमा में एशिया का सबसे लंबा ब्रिज है, उसके पास जा रहा हूँ उसको देखने कैसा है। और वीडियो शूट इसीलिए नहीं की उस टाइम क्योंकि बस का आपने रास्ता देखा ही है कि कितना ख़राब था, कितनी बस हिलती है उस रास्ते में, इसीलिए बिल्कुल एक बार तो हालत ख़राब हो गई थी, थक गया था बस में। लेकिन अब एकदम ओके है, कोई दिक्कत नहीं है, 1 घंटा रेस्ट कर लिया। और यहाँ पर एक बंजी जंपिंग भी है जो वर्ल्ड की 2nd हाईएस्ट है, और जो वर्ल्ड की 1st जो हाईएस्ट है वो है चाइना में 236 मीटर, और ये जो है 230 मीटर के आसपास है, 6 मीटर ही कम है। देखते हैं अगर सस्ती हुई तो कर लेंगे, क्योंकि ये है ना कि अब कोविड का टाइम चल रहा है तो थोड़ी सस्ती मिल जाएगी, जैसे कि पैराग्लाइडिंग सस्ती मिल गई थी। वैसे तो पैराग्लाइडिंग 7,000 नेपाली रुपये की होती है, अपने को सस्ती मिल गई थी, इसीलिए अगर बंजी जंपिंग भी सस्ती हुई तो ज़रूर करूँगा मैं, क्योंकि आज तक पहले कभी की नहीं है, मज़ा आएगा। अब देखते हैं, चलते हैं देखने कैसा एक्सपीरियंस होता है। और पहले तो सबसे पहले उसका प्राइस पूछते हैं कि कितना है, फिर डिसाइड करेंगे करनी है या नहीं करनी है। रास्ता सच में बहुत ज़्यादा ख़राब था। आगे आकर तो रोड आ गई थी, कुसुमा से 20-30 किलोमीटर पहले रोड आई थी, लेकिन रोड भी इतनी बिल्कुल साफ़ नहीं थी, उस वो भी ख़राब सी थी। लेकिन उससे पहले कम से कम 100 किलोमीटर तक ऑफ रोड, मतलब कि इतने टूरिस्ट वहाँ जाते हैं फिर भी जो रोड है वो पूरी टोटली ऑफ रोड। और मैं बताऊँ रास्ते में ना बस का टायर पंचर भी हो गया था, तो इसीलिए मेरे को थोड़ा टाइम लग गया, नहीं तो मैं 1 बजे तक पहुँच जाता। चलो अब चलते हैं, मेरे को सामने दिखाई दे रही है। आज नेक्स्ट डे है, कल जब मैं आपको ये बता रहा था कि मेरे को बंजी जंपिंग सामने दिख रही है और मैं उसका प्राइस पता करने जा रहा हूँ, तब मैं जब उस रेस्टोरेंट में गया जहाँ पर बंजी जंपिंग होती है, तो उन्होंने बताया कि कल तो बंजी जंपिंग हो नहीं पाएगी, अगर आपको करनी है तो आज ही करो। तो इसीलिए मैंने सोचा कि अगर मैं आज कर लेता हूँ तो सही है, मेरे को कुसुमा में 1 दिन और नहीं रुकना पड़ेगा, इसीलिए मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं आज ही कर लेता हूँ। और इसीलिए मैं इस वीडियो को कंटिन्यू नहीं कर पाया कल, मैंने सोचा कि बंजी जंपिंग के लिए तो एक सेपरेट वीडियो बनानी चाहिए, इसीलिए मैंने उस वीडियो को वहाँ से स्टार्ट कर दिया और इस वीडियो को वहीं पर छोड़ दिया। और आज नेक्स्ट डे इस वीडियो को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। और मैं आपको बता दूँ, आज मैं वो सस्पेंशन ब्रिज देखने आया हूँ जो नेपाल में है और एशिया का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज है। अभी बस ब्रिज के पास ये एक जंगल सा एरिया है, वहाँ पर आया हूँ, थोड़ी देर रिलैक्स करता हूँ कि मतलब यहाँ पर जो सुकून है ना
मतलब कि सच में इस जगह में जो सुकून है, मज़ा आ गया यार। ब्रिज को तो एंजॉय कर लिया, यहाँ पर ये जो जंगल है ना इसकी हवा भी अलग ही है। पता नहीं क्या, मैं नेपाल मेरे को इतना ज़्यादा पसंद आ गया ना, मतलब कि यहाँ से जाने का मन ही नहीं करता मेरा तो। मेरे को लग रहा है कि आज वाली वीडियो जो है ना काफ़ी ज़्यादा लंबी होने वाली है, क्योंकि जुमसुम से मैं चला हूँ, कुसमा में आया, एक दिन रुक गया, फिर अगले दिन भी इसी वीडियो में दिखाना है मेरे को। ब्रिज जो लॉन्गेस्ट ब्रिज है वो भी इसी वीडियो में दिखाऊंगा, तो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो। तो मैं सोच रहा हूँ कि इस वीडियो को यहीं पर एंड कर दें, नहीं तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा एडिट करनी पड़ेगी, एडिट तो क्या कट करनी पड़ेगी काफ़ी ज़्यादा। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आज शाम को काठमांडू के लिए मैं निकल जाऊंगा और फिर काठमांडू में आपको मिलेंगे। दो तीन वीडियो से मैं यही बोल रहा हूँ लेकिन अभी तक मैं काठमांडू पहुँचा ही नहीं, लेकिन आज शाम को पक्का काठमांडू के लिए निकल जाएंगे। अगर जुमसुम वाला रास्ता और ये ब्रिज पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना, और वीडियो पर कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी थी, अच्छी थी, बुरी थी या एवरेज थी, ज़रूर कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।